मजा आया? हाँ। नानी जी। आए रे, हमारी मोनिका स्कूल से आ गई। क्या हुआ स्कूल में, कैसा रहा? बहुत ही अच्छा नानी जी। आपको पता है एक बहुत ही बड़ा इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होने वाला है और उस टॉपिक का नाम है आदर्श संयुक्त परिवार, यानी कि आइडियल जॉइंट फैमिली। अरे भाई, इतनी अंग्रेजी तो हम भी जानते हैं, पर इसमें तुम क्या करने वाली? मुझे आदर्श संयुक्त परिवार के ऊपर स्पीच देनी है और पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमारे स्कूल के प्रेस्टीज का सवाल है, इसीलिए आज हमारी क्लास टीचर रंजना मैम मुझे खुद मेरी हेल्प करने के लिए आ रही है, ताकि वो पूरा दिन हमारे घर पे रहे और पूरी फैमिली को ऑब्जर्व करे और स्पीच तैयार करवा सके। हमारे जैसी आदर्श फैमिली कहीं नहीं मिलेगी। मोनिका बेटा, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारे शक्तिशाली परिवार जैसा परिवार और कहीं तो मिल नहीं सकता। वैसे कब आ रही है तुम्हारी ये टीचर? मैम आती होंगी, मैं जल्दी से चेंज कर लेती हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। बड़े लाल। अजाब गजाब घर जमाई। हमने तुमको इसलिए बुलाया है क्योंकि कल मोनिका के स्कूल में एक इंटर स्कूल कंपटीशन हो रहा है जिसमें वो भाग लेगी। अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही है भाई, जिसका विषय है आदर्श संयुक्त परिवार। अब मोनिका को ऐसा लगता है कि हमारा शक्तिशाली खानदान एक आदर्श संयुक्त परिवार। सही लगता है। नानी जी, छोटा मुंह बड़ी बात, माफ करना, लेकिन इसमें बेचारी मोनिका बच्ची की कोई गलती नहीं है। हमारे परिवार को देखकर बाहर के ना जाने कितने लोगों को ऐसी गलतफहमी है कि हमारा जो परिवार है वो एक आदर्श और संयुक्त परिवार है। मतलब आप अपनी बात पूरी कर लो। हाँ, हाँ, धन्यवाद चंतू जी। बात ये है कि क्योंकि ये मोनिका के स्कूल की प्रतिष्ठा का भी सवाल है, इसलिए मोनिका की स्पीच तैयार करने के लिए आज मोनिका के स्कूल से एक टीचर आ रही है जो उसकी स्पीच तैयार करेगी, हमारे परिवार का निरीक्षण करेगी। इसलिए आप लोगों से एक निवेदन है कि कृपया उस टीचर के सामने ऐसी कोई हरकत मत कर देना कि हमारे संयुक्त परिवार की छवि बिगड़ जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए। कोई कोई गड़बड़ नहीं होगी नानी जी, आपने एक मिनट, आपको जिम्मेदारी दे दे हम पहले। हाँ हाँ हाँ। और इसकी जिम्मेदारी हम तुम्हें देते हैं चिंटू। चिंटू, तुमको ये देखना है कि कोई गड़बड़ ना करे। ये नानी जी, आपकी जय हो, सदा ही जय हो। आपका बड़प्पन है कि आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे चिंटू चौटाला को सौंप दी है। बहुत बहुत धन्यवाद नानी जी। वैसे मैं यही कहने वाला था कि आप टेंशन मत लो, आपने जिम्मेदारी सौंप दी है, मैं सब सही कर दूंगा। मैं बता रहा हूँ, ऐसे जलवे बिखेरेंगे ना हम लोग टीचर के आगे कि वो खुद अपने आप कहेगी ये देखो ये होता है आदर्श संयुक्त परिवार। मैं सब काम फिट कर दूंगा टन टन। क्यों जी नाना जी, क्या कहते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, अब वो उसके लिए तो हम करेंगे। किस किसके लिए? मोनिका के लिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। अब नानी जी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, जैसे ही मोनिका अपनी टीचर को लेकर आएगी आपके आशीर्वाद से हम ऐसा जोरदार अभिनय करेंगे आदर्श पिता का कि मोनिका की टीचर हिल जाएगी। चलिए, इस बहाने तुम एक जोरदार अभिनय तो करोगे आदर्श पिता होने का। नानी जी मैं कुछ समझा नहीं। अरे बेटा, समझ की तो सारी बात है, जिस दिन तुम समझ गए ना उस दिन तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। मैं अभी भी कुछ नहीं समझा। प्यारी नानी जी, क्यों आप चील की चोंच पर चंदन घिस रही हैं बार बार? अंधेरी कोठरी है, कितना भी दरवाजा खटखटा लो खुलने वाला नहीं है, कुछ समझ में नहीं आएगा। आप क्यों क्यों परेशान हो रही है? जब आपने जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है तो सब काम फर्स्ट क्लास होंगे। क्यों, हम सब मिलकर करेंगे ना भाई? हाँ बिल्कुल। एक दिन क्या, हम डेढ़ दिन तक संयुक्त आदर्श परिवार बन के दिखा देंगे, एक दिन की क्या बात है। हाँ नानी जी, हम सब साथ साथ हैं। हाँ हाँ नानी, ये देखो हम ऐसे चिपक के रहेंगे कि आरी से भी काटो ना तो नहीं अलग होंगे, है ना? नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, बैठिए बैठिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़े लाल जी। मानती, अरे
क्या नाम बताया था आपने अपने टीचर का बेटा? जी रंजना। हाँ रंजना जी, पानी लीजिए। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला हमारी मोनिका को तैयार करने के लिए। नानी जी आपको कृतज्ञ होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी है। और वैसे भी आपकी ये मोनिका बहुत ही होनहार और बहुत ही प्यारी बच्ची है, इसके लिए कुछ भी करना बहुत अच्छा लगता है। और ये प्रतियोगिता जो है ये सिर्फ मोनिका की जीत का सवाल नहीं है बल्कि ये हमारे पूरे स्कूल की इज्जत का सवाल है। जी जी, क्योंकि नानी जी ये जो प्रतियोगिता होने जा रही है इसमें मोनिका का मुकाबला इस शहर की बड़ी बड़ी स्कूलों जैसे सेक्रेट हार्ट और चंदनवन पब्लिक स्कूल उनके छात्राओं के साथ है। इस वजह से मुझे आना ही था उसकी हेल्प करने के लिए। बड़े लाल अब पानी पिलाओगे या? चाय एकदम तैयार है मालकिन। अच्छा अच्छा। अरे नानी जी रहने दीजिए ना, ये सब बाद में देख लेंगे। अरे पहले आपके परिवार से तो मिल लूं। हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, पर चाय तो आपको पीनी पड़ेगी, ऐसी बात नहीं। जाओ बड़े लाल। जी मालकिन। आज हम बहुत खुश है दी। आज मैं भी बहुत खुशी डाली। ओहो, आपको पता है दी, धमाका ऑनलाइन शॉपिंग है ना, उससे हमने एक इतना सुंदर मेकअप किट ऑर्डर किया है, क्या बताए। वो पता है कैसा है, जो बनू मैं तेरी दुल्हन में सोनाली यूज करती थी ना। हाँ बिल्कुल वैसा। अब मैं बताऊँ? हाँ मैंने भी वैसा ही मेकअप किट ऑर्डर किया है। हाँ? फिल्मी लगूंगी मैं। क्या बात है, सच्ची? हाँ तुम सच्ची, हमारी पसंद कितनी मिलती जुलती है ना। हाँ बताए डॉली, हम सगी बहने है ना, इसीलिए तो हमारी पसंद सगी बहनों जैसी मिलती है। बिल्कुल ठीक कहा दी। अच्छा आपको पता है हम लोग कितने लकी है जो हम एक दूसरे को मिले है ना। हाँ डॉली ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तो आजकल की बहने तो जरा जरा सी बात पे लड़ने झगड़ने लगती है। सही बात है, हमें तो बहुत बुरा लगता है ये सब देख के। हाँ। अरे हमारा बस चले ना, हम तो चांद सितारे तोड़ लाए हमारी दी के लिए। सच्ची डॉली? चल तो इसी बात पे गले लग जा। वाह 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 वाह, कितने अच्छे लगते हंसते हुए। वो कोरियर वाला आया था, वो शॉपिंग वॉपिंग ऑनलाइन क्या, वो धमाका धमाका ममाका से आया था, वो ये देखे गया है आप लोगों का है शायद, कह रहा था यहाँ से दो ऑर्डर हुए हैं, एक ही आ पाया है, एक अगले हफ्ते आएगा। हाँ तो क्या हुआ ना चिंटू जी, हम दोनों बहनों में तो बहुत प्यार है, एक जरा सी मेकअप किट के लिए थोड़ी ना झगड़ेंगे। ठीक कहा ना डाली? बिल्कुल ठीक कहा। अरे चिंटू जी ऐसे हजार मेकअप किट कुर्बान हमारी प्यारी दी के लिए। क्या बात है। देखा चिंटू जी बहनों तो ऐसी। तो इस बार की मेकअप किट मेरी हुई और अगले हफ्ते की डॉली की लाइए। अरे लॉली दी आप गलत समझ रही हैं, अगले हफ्ते जो मेकअप किट आएगी वो आप रख लीजिए, ये हमारे लिए है। आइए जी। डॉली मैं बड़ी बहन हूँ ना, तो ये मेरी हुई है ना, लाओ मुझे दे दो। वही तो हम कह रहे हैं आप बड़ी हो ना, और कुर्बानी हमेशा बड़े ही देते। लाइए दे दीजिए। लेकिन डॉली तुम क्या करोगी मेकअप करके, सारा दिन सीरियल देखती रहती हो और क्या। तो आप भी क्या करोगी मेकअप करके, पूरे दिन घर पे यहाँ से वहाँ घूमती रहोगी। लाइए बात सुन लो मेरी, मेरी इतना बड़ा दी, तो आप कौन सा हमें राष्ट्रपति सम्मान दे रही है, हमारा भी अपमान ही हो रहा है दी। लाइए दी। पति से याद आया, मैं तैयार होंगी अपने पति को दिखाऊंगी। तो हमारे चिंटू जी अंधे हैं क्या, हम उनके लिए नहीं मेकअप कर सकते। लाइए दी। अरे चुप, क्या लगा रखा है यार ये बच्चे, क्या हो गया क्या हो गया, सांस ले लो पहले लॉली जी, सांस ले लो, सांस अटक जाएगी, सांस लो पहले, लो सांस। क्या क्या तैर रही हो, आराम से शांति से बात करो ना, क्या हो गया, अगले हफ्ते ले लेना कोई भी आप में से। समझ ही नहीं आ रही है बात, कितनी देर से रोक रहा हूँ टोक रहा हूँ, कोई सुनने को राजी नहीं है मेरी बात। अच्छा शांति रखो, शांति रखो, प्यार मोहब्बत बनाए रखो। देखो क्या है कि लॉली जी अपनी मोनिका है ना, उसके टीचर घर में आने वाली है, इस तरीके से देखेगी घर का माहौल है, क्या सोचेगी हमारे परिवार के बारे में है। आप लोग बिल्कुल ही नानी जी की जय हो। नानी जी आपका भाई पता ही नहीं लगा। ये देखो नानी, बेवकूफ आदमी,
मैं आया और कमाल की बात है कि मैंने आपको इन दोनों बहनों ने भी नहीं देखा, वरना ऐसे थोड़ी प्यार मोहब्बत की बातें करती ये दोनों। इनसे मिलिए, ये है हमारे सबसे छोटे जमाई चिंटू चौटाला। वैसे तो घर में राधे राधे बोलते हैं हम, लेकिन आप टीचर और स्कूल से गुड मॉर्निंग मैडम। ये साड़ी वाली मेरी वाइफ है डॉली जी। हाय। नमस्ते। और ये सूट वाली ये हमारी मोनिका की मम्मी है लॉली जी। नानी जी। हाँ। कोई और है घर में जिसे आप मुझे मिलाना चाहेंगे? हाँ है ना, मोनिका बेटा जाओ अपनी टीचर को अपने पापा से मिलाओ, जाओ। रुको 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 रुको, नानी जी आपका सेवक इस घर का सेवक चिंटू चौटाला है और आप इस नन्नी सी जान को कष्ट दे रही हो। नहीं 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 से आइए आप आइए आइए जी, मैं मिलवाता हूँ। चल नानी जी, सॉरी गलती से मिस्टेक होगी, आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा ये जो कुछ भी। अजब गजब